आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं किस तरीके से जो है आप व्हाट्सएप बीटा वर्जन का फायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सएप बीटा के वर्जन के हवाले से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि बीटा वर्जन जो व्हाट्सएप का आया है उसमें हम जो है मल्टीपल सिस्टम्स को मल्टीपल फोन्स को जो है लॉग इन कर सकते हैं। बट एक बड़ी जबरदस्त अपडेट जो मैंने कुछ दिन पहले खुद मुझे आइडिया हुआ जब मैंने इसको यूज किया, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इस वक्त मैंने ज्वाइन किया हुआ है बीटा वर्जन व्हाट्सएप का। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आपको जो है नजर आ रहा होगा कि यूज अप टू 4 डिवाइसेस विदाउट कीपिंग योर फोन ऑनलाइन, यानी आप अपने मोबाइल को ऑनलाइन करे बगैर भी जो है आप जो है वेब पे व्हाट्सएप वेब पे जो है चैट को रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि काफी इशू होता था पहले, मुझे भी खास तौर पे और बहुत से लोगों को भी होता होगा कि अगर मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो फिर मोबाइल पे जाके व्हाट्सएप को ओपन करना पड़ता था, उसके बाद जो है फिर जो है आप लोग जो है अपने वेब पे व्हाट्सएप वेब पे यानी कंप्यूटर पे चैट को देख सकते होंगे देख पाते होंगे। ठीक है, तो इस न्यू अपडेट के जरिए से अगर अब आपका व्हाट्सएप चैट या मोबाइल आपका ऑफ भी होगा तो भी ऑटोमेटिकली आपके पास ब्राउजर पे या फोन आपने जो लॉगिन किया होगा उस पे आप जो है चैट को देख पाएंगे लाइव। इस वक्त मैंने व्हाट्सएप बीटा की ये अपडेट को ज्वाइन किया हुआ, मैं आपको इसको डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो इस वक्त ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा, ये इसमें ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब मैं जब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो वहां पे मुझसे जो है मुझे शो करेगा कि मैं इस वक्त जो है वेब व्हाट्सएप बीटा पे कनेक्ट हो चुका हूँ, और मैं अगर अपनी चैट पे ऑफलाइन भी होऊंगा तो भी जो है आपको जो है अपने कंप्यूटर पे चैट जो है वो ऑनलाइन दिखेगी। इवन के अगर आप मोबाइल पे इंटरनेट भी ऑफ रखेंगे तो भी आपके पास जो है आपके कंप्यूटर पर या जिस डिवाइस में भी आपने लॉगिन किया होगा व्हाट्सएप, वहां पे आपको जो है आपका व्हाट्सएप चैट जो है ऑनलाइन दिखेगा। आपको वापस जो है इंटरनेट पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप को फोन पे जाके। ठीक है, आप ऐसे भी जो है लाइव देख सकते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि किस तरीके से जो है जब आप ज्वाइन करेंगे बीटा वर्जन जो है आपके पास शो होगा और आप अपनी चैट को जो है बसानी, अगर मोबाइल पर इंटरनेट ऑफ भी होता है तो भी आप जो है कंप्यूटर पर अपनी चैट को देख पाएंगे। चलिए, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेके जा रहा हूँ इस वक्त। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जैसे मैंने वहां पे व्हाट्सएप को बीटा को डिस्कनेक्ट किया था तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के साथ ब्राउजर इसका व्हाट्सएप का डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं इसको इस वक्त कनेक्ट करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि किस तरह का आपके पास जो है विंडो शो होगा जब हम व्हाट्सएप बीटा बीटा को ज्वाइन कर लेंगे, और व्हाट्सएप बीटा को ज्वाइन करने के बाद हम बासानी अपने मोबाइल में, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं भी होता तो हम बासानी जिस डिवाइस पे हमने ये ज्वाइन किया हुआ होगा व्हाट्सएप बीटा को, तो हम जो है उस वक्त भी चैट देख सकते होंगे जिस वक्त इंटरनेट मोबाइल पे ऑन नहीं होगा। ठीक है, जिस डिवाइस पे इंटरनेट एक्टिव हो और आपका कनेक्ट होगा व्हाट्सएप बीटा तो वहां से आप चैट देख सकते हैं व्हाट्सएप की अपनी। तो मैं इस वक्त जो है डिवाइस को लिंक कर रहा हूँ, डिवाइस डिवाइस को लिंक करना आप लोगों को आता ही होगा, तो मैंने अपने मोबाइल को जो है लिंक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है डिवाइस को जो है स्कैन कर रहा है। मैं आप एक दफा वापस से ट्राई कर लेता, मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वजह से शायद इशू आ रहा है, मैं एक दफा फिर से ट्राई कर लेता हूँ। हाँ जी, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से इशू आ रहा है, मैं यहाँ पे वीडियो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करूंगा फिर से। एक दफा मैं इसको इस QR कोड को जो है स्कैन कर लूँ अपने मोबाइल के साथ, और फिर मैं जो है आपको दिखाता हूँ किस तरह का जो है स्क्रीन पे शो होगा। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इस वक्त जो है मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप टॉप जो है बॉटम पे देखें, सॉरी टॉप जो है लेफ्ट पे देखें, ठीक है, आपको बीटा वर्जन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस वक्त मेरा व्हाट्सएप बीटा जो है कनेक्ट हो चुका है, और यह सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा व्हाट्सएप वेब बीटा। ठीक है, यानी अब आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं भी होता और आप अगर मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं या किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो आप भले अपना फोन जो है वो घर पे भी छोड़ गए हो या कहीं पे भी छोड़ गए हो जहाँ आपके पास आपका ओरिजिनल मोबाइल ना हो, ओरिजिनल व्हाट्सएप मोबाइल ना हो, तो दूसरी डिवाइस पे भी आप बआसानी व्हाट्सएप की चैट को देख पाएंगे।
तो ये बड़ी जबरदस्त एक अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि आजकल ऑफिशियली जितना भी काम हो रहा है ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही हो रहा होता है, या फिर यूनिवर्सिटीज में लेक्चर शेयर किए जा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी व्हाट्सएप पे किए जा रहे होते हैं। तो अक्सर बेशतर जो है बहुत से लोग मोबाइल भूल जाते हैं या फिर मोबाइल किसी दूसरी जगह पे छोड़कर आ जाते हैं, तो आप अपनी डिवाइस को बारसानी कनेक्ट करके इस बीटा वर्जन का फायदा उठा सकते हैं। बीटा वर्जन में जो ये ऑनलाइन रखने वाली डिवाइस को जो ये नोटिफिकेशन आया है, नया नई अपडेट आई है कि आप दूसरी डिवाइस को भी ऑनलाइन रख सकते हैं भले आपकी ओरिजिनल डिवाइस में इंटरनेट ना हो, तो भी आप जो है चैट को रिसीव कर पाएंगे। ये एक बड़ी जबरदस्त फीचर है। उम्मीद है वीडियो यूजफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।